एम मास्टर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अबाउट पैरालिसिस एंड स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ एट टाइम्स व्हाट हैपेंस जब पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें एक्चुअली में हो क्या रहा है, ना पेशेंट्स के घर वालों को पता होता है कि हाँ इन्हें एक्चुअली में लकवा मार चुका है या फिर इनिशियल स्टेज में या व्हाट एवर इज द सिनेरियो। तो होता क्या है, अब जिसने पैरालिसिस के पेशेंट्स देखे हैं उन्हें तो पता है कि हाँ इसको कुछ कुछ ये पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं और हमें बहुत जल्दी रश करना है डॉक्टर के पास। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि जो गांव में लोग होते हैं उन्हें एट टाइम्स नहीं मिलता देखने को कि हाँ ये पैरालिसिस इसको लकवा मार चुका है और ये पैरालिसिस के पेशेंट्स ऐसे होते हैं या फिर उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो आज मैं वही बताऊंगी अपने वीडियो में कि आपको कैसे समझना है, किन सिम्टम्स से, कौन से ऐसे साइंस है जिनसे आपसे समझना है कि हाँ कि दिस सिम्टम्स आर लीडिंग टू पैरालिसिस। तो अब होता क्या है, जब भी हम इनिशियली हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंज आना मतलब दैट इज नॉट नेचुरल। चेंजेस जो आते हैं वो किसी ना किसी कमी की वजह से ही आते हैं, वेदर इट इज एनीथिंग, कोई बीमारी है या फिर कुछ ऐसे लक्षण हो रहे हैं। जैसे बीपी हाई होता है तो बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है हमें पता चलता है, वैसे जो भी हमारे बॉडी में अनयूजुअल चेंजेस होता है उसका मतलब है कुछ न्यू हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है या फिर हमारा ब्रेन अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को। तो अब हम यही बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इनिशियली जो आपको पहचानने हैं कि हाँ दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। अब हम जब भी जैसे हम पैरालिसिस के पेशेंट से फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हाँ उनके चेहरे में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कुछ डेविएशन हमें देखने को मिल रही है, दैट इज वो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं या फिर कोई हंसने की बात कर रहा है, जैसे कोई जोक क्रैक किया है तो उसके बाद अगर पैरालिसिस का अटैक पेशेंट अगर हंस रहा है लेकिन वो हंस नहीं पा रहा है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जो आप फेस टू फेस देख के कॉस्मेटिकली पहचान सकते हो कि हाँ ये चेंजेस पेशेंट को कॉस्मेटिकली यू कैन फील देम, आई ड्रूप हो रही है, लिप ड्रूप हो रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं ढंग से। और क्या होता है जब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट्स वो जनरली स्लर्ड स्पीच हो जाती है उनकी, थोड़ा सा हकलाना शुरू कर देते हैं, शब्दों को खींच के बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे साइंस हैं जो आप फेस टू फेस समझ सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को देख के कि हाँ ये ढंग से हंस नहीं पा रहा है, ढंग से बोल नहीं पा रहा है, दे कांट ईट देम सेल्फ। तो ये सारे चेंजेस आप देख के विजुअली पहचान सकते हो कि हाँ मैंने देखा है कि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, पैरालिसिस स्ट्रोक। चलो ये तो बात कर ली हमने फेस की, कोई फेस टू फेस मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन कर रहा है तो उसको फेस देख के समझ में आ गया कि ये चेंजेस हैं। वॉट अबाउट लोअर बॉडी, आप बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे जो आप समझोगे कि हाँ दिस इज अबाउट पैरालिसिस। तो होता क्या है, हाथों में बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी होती है, अगर आप उनको बोलोगे कि लाइक सपोज दिस इज अ मग, अगर मैं उनको बोलती हूँ कि ये मग उठाओ तो दे कांट होल्ड इट, दे कांट ग्रैब इट। तो ये सारे चेंजेस है, मतलब उनके हाथों में वीकनेस आ चुकी है। एंड सेकेंड थिंग, आप कैसे चेक करोगे, उनको बोलो कि अपने दोनों हाथ सामने लेके आए, दोनों हाथ सामने लेके आते हैं लेकिन दे कांट होल्ड, उनका एक हाथ अपने आप नीचे की तरफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स उस आर्म में वीकनेस है। तो ये भी एक साइन है पैरालिसिस का। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे वीकनेस अगर आपको महसूस हो रही है अपने हाथ में कि हाँ मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा है या फिर मैं कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर एट टाइम्स क्या होता है जैसे मैं अभी ऐसे इशारे कर रही हूँ, तो लोगों को आदत होती है, इंडिविजुअल्स को आदत होती है कि हाँ वो अपने ऐसे हाथ करके बात करेंगे, लेकिन आप बात कर रहे हो लेकिन आपका हाथ उठ नहीं पा रहा है, आप अपना जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके हैंड में वीकनेस है। तो ये भी एक साइन है पैरालिसिस का। ओवरऑल अगर आपकी बॉडी में वीकनेस आप महसूस कर रहे हो, लिथार्जिक हो रहे हो, थकावट हो रही है, तो ये सारे चेंजेस हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये सारे चेंजेस हैं। और वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से। नाउ टॉकिंग अबाउट लोअर लिम, पैरों को आप कैसे पहचानोगे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग होते क्या है हमारे पैरों से रिलेटेड, चलना, उठना, बैठना, लेटना, इन सब में हमारे पैरों का इनिशियल रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं होता कि पैरालिसिस के सिम्टम्स आपको बता के आएंगे, इनिशियली कुछ नहीं पता चलता, जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी साइंस होते हैं वो एकदम से एट रेंडम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिलते हैं कि हाँ मुझे ये चेंजेस अगर फील हो रहा है तो मुझे कुछ बॉडी में हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपको 5-7 दिन पहले से सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू, आपको एकदम से रेंडमली सिम्टम्स नजर आएंगे। ध्यान आपको रखना है कि अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उन्हें फटाफट से कैच करना है कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है,
आपके माइंड में ऑन द स्पॉट याद आना चाहिए कि नहीं ये कुछ चेंजेस हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब चलो बात करते हैं पैरों की। तो पैरों में हम क्या करते हैं, अगर आपको चेक करना है कि हाँ दिस इज नॉट नॉर्मल, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप बैठे हैं लाइक सपोज आई एम सिटिंग, तो आपको उठ के देखना है अगर आप पैरों पर वेट ले पा रहे हो, दैट इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पैरों पर वेट नहीं ले पा रहे हो, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो आपको फटाफट से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बॉडी में सिर्फ पैरों में ही सिम्टम्स आएंगे या सिर्फ हाथ में ही सिम्टम्स आएंगे। अब हम समझते हैं पैरालिसिस एक ही टाइप का नहीं होता कि आपको सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स आपके फेस पे दिखेंगे या फिर हाथ पे दिखेंगे या फिर पैर पे दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। पैरालिसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कोई कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको इस हाथ में दिखेंगे, दैट इज एक ही हाथ में दिख रहे हैं। कुछ होता है कि आपको हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो रही है, कि आपको अपर लिम एंड लोअर लिम दोनों में सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। अनदर पैरालिसिस का टाइप ये होता है कि आपको दोनों पैरों में सिम्टम्स फील हो रहे हैं, दोनों पैरों में साइंस दिख रहे हैं कि आप नहीं चल पा रहे हो। एंड द मेन इंपॉर्टेंट जो आप मैन टू मैन देख सकते हो, दैट इज योर बेल्स पाल्सी, जो आपकी फेशियल पैरालिसिस भी कहलाती है। फेशियल पैरालिसिस बहुत ईजी होता है डिटेक्ट करना क्योंकि आप देख पाते हो, लेकिन हम मैन टू मैन अगर इंडिविजुअली बात करें तो हम लोअर बॉडी के सिम्टम्स एट टाइम हमें खुद को अगर महसूस होते हैं तो होता है। कोई सामने वाला इंसान आपको देख के नहीं बता सकता कि आपको पैरालिसिस हो रहा है इनिशियली। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट लेग्स। तो लेग्स के आपको चेक कर रहे हैं कि आप ढंग से चल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, या फिर अगर आप लेटे हुए हो तो करवट ले पा रहे हो या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से फटाफट से कंसल्ट करना है, जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है, ताकि जो भी इनिशियल चेंजेस आ रहे हैं वो डिटोरिएट ना हो और आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट ना हो। तो आपको जल्दी से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है विद इन 3 to 4 hours, एज सून एज पॉसिबल यू कैन। जनरली ऐसा होता है कि मेरे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैम इनिशियली आप मुझे बता दो कि हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं एकदम से मुझे पता चल जाए कि पैरालिसिस हो चुका है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चल पाता और कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उन्हें जब सिचुएशन वर्स्ट होने लगती है, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है या फिर होती नहीं है, रेंज ऑफ मोशन एकदम खत्म हो जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम नज़र आता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है जो भी कोई। एंड हाँ, आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में विजिट करना है जहाँ पे ICUs, प्रॉपर डॉक्टर विजिट होती हो। छोटे मोटे सेटअप में विजिट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पैरालिसिस का एकदम से हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेटअप करना होता है। तो आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब पैरालिसिस होता क्यों है? पैरालिसिस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेन रीजन, मेन कॉज जो है वो है स्ट्रोक। ना स्ट्रोक भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है क्लॉटिंग हो जाना और एक होता है दिमाग की नस फट जाना। ना दिमाग की नस फटना, नस फटने से आप क्या समझते हो? नस फट रही है दैट इज आपका ब्लड वहाँ पे लीक हो रहा है। अगर ब्लड लीक हो रहा है उसकी वजह से ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आपको हेडेक होगा, आप फेंट हो सकते हो, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आपको एट द मोमेंट समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस भी आते हैं बॉडी में। अगर ऐसा कुछ आपको एकदम से हो रहा है कि मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा है, या फिर आप एकदम से गिर जाते हैं और उसके बाद आपकी मूवमेंट, जब भी आपको होश आया तो आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका हाथ ही नहीं उठ पा रहा है, आप अपना पैर फोल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स भी हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है तो यू विल डायरेक्टली रश टू योर डॉक्टर। आई होप वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आपको समझाना चाह रही थी, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, जो आपको इनिशियल जो लक्षण है वो अगर आपको कैच करने हैं तो वो यही सारे सिम्टम्स हैं जो आपको जानना है, जिन्हें आपको पहचानना है कि दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहते हो, डायरेक्टली कॉल मी, नंबर गिवन बिलो, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी या फिर अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।